तो भाइयों आज है 25 फरवरी और आज हम चेक करेंगे मुंबई दिल्ली नेशनल एक्सप्रेसवे जो कि अभी नया नया खुला है उसको हम ये चेक करेंगे कि जयपुर में हम 2 घंटे में पहुंच पा रहे हैं या नहीं। दिल्ली से मतलब आधा घंटा आप दिल्ली से लगा लेना, गुड़गांव से हम मतलब हम तो गुड़गांव से स्टार्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट आधा घंटा बचता है दिल्ली वालों से, तो इसलिए ये लगा लो हमें 2 घंटा। हम मैं गुड़गांव से देखूंगा दिल्ली से नहीं, तो देखते हैं कितने घंटों में हम जा पाते हैं कितने में नहीं और आपको बताते हैं पूरा रिव्यू देते हैं दिल्ली ने मुंबई एक्सप्रेसवे का। और अभी पहले टंकी फुल कराते हैं यहाँ पे, अपनी ब्रेजा की माइलेज भी आज आपको दिखाता हूँ मैं कितने की माइलेज देती है ये ऑन एवरेज। कर दा फुल डीजल, तेल जो आया है गाड़ी में वो आया है 3700 का 4100 लीटर जो कि ज़्यादा है, हमारी जयपुर ट्रिप में तो कम ही लगेगा, हमने पर ज़्यादा करवा लिया कोई ना, माइलेज भी बढ़िया तरीके से चेक होएगी गाड़ी की। और दिखाते हैं आपको दिल्ली नेशनल, दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे और उसकी काबिलियत, 140 की स्पीड, 130 की स्पीड कितनी रहेगी। तो भाई सबसे पहले करते हैं एवरेज सेट, अभी दिखा रही है 15.8 क्योंकि ये लोकल में है ना, कर दी एवरेज सेट। अब करते हैं इसकी जो ट्रिप है ना कौन सी है, बी बी कोई कर देता हूँ, चलो जीरो। तो भाई हम करते हैं इसको बी वाली को रीसेट करते हैं, ये हो गई जीरो पे, माइलेज भी निकल जाएगी किलोमीटर भी निकल जाएगा और टाइम, टाइम का बहुत बड़ा बात है बट टाइम हम दिखाएंगे आपको जब उस एक्सप्रेस वे पे हम चढ़ जाएंगे। अभी जैसे 1:22:32 हो रहे हैं ना तो उस पर अगर 1:40 होते या 45 होते वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे टाइमिंग। पाल रखे है ना जो टाइम लगा भाई आने में, मैंने आपको 32 दिखाया था भाई, 54 हो गया, ये कम से कम आधा घंटा लेट है। अच्छा घर के काम होते हैं भाई। तो भाई अब हम राजीव चौक से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करने का फायदा तो है नहीं, हाईवे टू हाईवे दिखाएंगे आपको राजीव चौक पे टाइम कैलकुलेट करना हम शुरू करेंगे ठीक है भाई। अभी हम है गुड़गांव में और टाइम हो रहा है 2:09, तो एग्जैक्ट हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम राजीव चौक से, तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताएंगे 2.5 घंटे 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे जितने भी लगते हैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे। तो भाई जो सोना रोड का फर्स्ट टोल है कितने रुपए का है, सोई भी है 125 का है, 125 रुपए का केवल, ये हम ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर चलते हैं बस उसके लिए, पूरे इंडिया का सबसे महंगा टोल 125 रुपए। क्या हुआ टोल में पैसे नहीं है देख रहे हो भाई, रईस ही गुड़गांव की 10 से 15 किलोमीटर के लिए 125 आने मतलब जाने जाने के, और आने के भी 125 अलग, जाने आने के 90 है। अच्छा आने के 90 भाई, 115 महंगा तो बहुत है भाई ये वाला टोल, 115 और 175 सोना टोल है, 15 सेकंड का है ना, 15 सेकंड तो कब के हो लिया भाई हमारे यहाँ पे, अरे अब तक खोल नहीं रहे अब हम फ्री में जा सकते है ना भाई, दो बार तो हम जा चुके हैं पीछे, अब ये तीसरी बार भी पीछे बोलने की बोल रहे हैं भाई यार। भाई समझ ही नहीं आ रहा इनका भाई ये क्या कर रहे हैं, मैं तीसरी बार आ लियो, 3-9 बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है, इनके टैग नहीं चलते, क्या नहीं चलता इनका भाई पता नहीं, टैग स्कैनर नहीं चलता इनका, जो कैमरा जो काम करता है ना वो ही नहीं चलता, 15 सेकंड का रूल है और इन्होंने लगा दिए कितने मिनट, फ्री में जाना चाहिए वैसे रूल के मुकाबले तो हमें, जो व्हाइट लाइन होती है ना उससे आगे आने पे। तो भाई सोना जो हमने एक्सप्रेस वे पकड़ा था वो यहाँ से कट है जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का ये रहा बोर्ड आ गया, ये देखो ये लेफ्ट में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वडोदरा सोना मुंबई नू। तो भाई अब चेक करते हैं इस रोड को हम, और टाइम है जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 2:25 हम चढ़ चुके हैं, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी वो अब होगी स्टार्ट। चलो देखते हैं भाई इस हाईवे का भी मजे लेते हैं और जयपुर का टाइम कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी देर में हम जयपुर पहुंच जाते हैं। बेहतरीन रोड है भाई, बेहतरीन एक नंबर के, ये देखो आप क्वालिटी देखो रोड की भाई, गाड़ी चल रही है 140 120 किलोमीटर यहाँ पर हम 140 चला रहे हैं क्योंकि रोड ही इतने बढ़िया है भाई। भाई साहब गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे के, मतलब जो स्पीड है ना गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 120 की है, और जो अपने वहाँ नॉर्मल हाईवे है उनकी 70 पे चलान कट जाता है, तो इस हाईवे की कुछ तो खासियत है जो ये इतना बढ़िया बना है। देखो आप इस हाईवे की 140 130 में तो पता ही नहीं चल रहा कुछ भी,
खतरनाक। ऐसे रोड होने चाहिए अपने भारत में, यूएसए और ये यूके वगैरह कहते हैं ना कि हाँ हमारे रोड बढ़िया, अब इंडिया के भी रोड बढ़िया भाई। नितिन गडकरी जी ने एक नंबर के रोड में तो काम किया है, बीजेपी ने कहीं काम किया हो ना किया हो, रोड्स में सबसे बढ़िया काम किया है। तो लगी यार और भी आगे देख तो बिल्कुल खुला रोड केएमपी जैसा, केएमपी में भी थोड़ी बहुत भीड़ होगी, इस पर तो अभी कहती है बिल्कुल भी। कंटेनर रखे रह गए, टोल आ गया, फ्री प्लाजा लिख रहा है, बताओ ना फ्री प्लाजा मतलब फ्री प्लाजा है प्रॉपर वर्ड फ्री प्लाजा है। बर दिखाइयो इसको, वीडियो बनाइयो कि इसमें क्या है, 500 मीटर अहेड शायद ये हमारा भाई टाइम कैलकुलेशन शुरू होगी यहां से कि कितना टोल हमारा कटेगा जब भी हम एग्जिट लेंगे, वो उसके लिए होगा। तो उसी के लिए हमको पर्ची काट के दे देंगे, उसके हिसाब से रहेगा यहाँ तक के 90 रुपए। अच्छा जी, तो हम चलाए कितने हैं भाई? यहाँ तो वो डबल का नेटवर्क भी नहीं है, 10 किलोमीटर चले हैं यार। ये अभी टोल कटेगा या क्या होगा, किस लिए ये टाइम कैलकुलेशन के लिए, जिस पे भी एग्जिट लेंगे वहां कटेगा। अच्छा चल 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 चल। तो भाइयों यहाँ पे हमें फिर अब नंबर देने के नंबर दिया हमने, नैनीताल हर जगह, और फिर ये टोल खुला। अरे यार भाई यार, हमने तो यार टाइम वेस्ट कर रहा है कोई हमारो, कितनी बार चेंज करेंगे हम, धीरे ही आ रहा हूँ भाई मैं तो। चलो भाई लेफ्ट वाली से लेते हैं, बहुत धीरे धीरे ही लूंगा, कतई 5 की स्पीड पे लूंगा भाई, यहाँ स्टॉप इन्होंने बोला है, यहाँ स्टॉप करके लूंगा। स्पीड दिखा रहा तुम्हारी भाई, 0 से लेके 5 के बीच में है, ताकि ये कुछ बोले ना, इनको वीडियो प्रूफ दिखाऊंगा इस बार कितना मंदा। हाँ जी मैम, हाँ अभी पीछे से ही आया हूँ मैं, इस वाले से घूम के देखना, देख कमेलियन कलर का बोलो, देख के तो भाई जो फर्स्ट एग्जिट है हाईवे का वो ये है, पलवल कुंडली के लिए नेशनल मुंबई एक्सप्रेसवे का जो फर्स्ट एग्जिट है वो ये है, अरे कुंडली यार उसके लिए केएमपी पे भी, हाँ केएमपी पे भी चढ़ सकते हो। जो भी ड्राइवर वगैरह जो भी है, जो भी लंबा सफर करते होंगे उनके लिए बहुत ही मतलब दिक्कत वाला रोड है, क्योंकि नींद आ जाएगी भाई, बिल्कुल सपाट सीधा रोड है, चल रहा है अपने 80-90-100 पे, सो जाए भाई, तो ये एक दिक्कत है इस रोड पे। बम्प्स बनाने चाहिए थे थोड़े बहुत, यहाँ उठा रहे एक्टिव रहे, यहाँ तो सो जाएगा जो लंबा चला रहा होगा ना, जैसे कि मुंबई से आ रहा हो या कहीं से भी, उसको नींद आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस रोड पे, सपाट रोड है बिल्कुल क्लीन। टाइम देखो 3:01 हो रहे हैं और हमें पता है 25 मिनट में हम 80 किलोमीटर हमने कवर कर लिए इस हाईवे पे। तो भाई इस हाईवे की काबिलियत को समझो आपकी कितना बेहतरीन है कि गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही, गाड़ी चल रही है सपाट, उड़ा दो बस इसको। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलना वैसे तो गलत है, पर इस रोड पे भाई चलना मुझे लगता है कि गलत नहीं है, इस रोड पे आप चल सकते हो भाई, सच में बता रहा हूँ। वैसे तो गलत है, 150 पे नहीं चलना चाहिए, हम इसीलिए 120 पे मेंटेन करके चल रहे हैं, पर हाँ 150 पे आप 150-160, और ये तो ब्रेजा है, अगर इनोवा हो या कोई और गाड़ी हो ना तो वो तो भाई 200 भी चले आराम से, सच बता रहा हूँ भाई।
अपने ड्राइविंग स्किल्स से और या क्या कहते हैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं हुआ, 5 साल हुए, पर इतने में जो भी मेरे पास ज्ञान आया है उससे बता रहा हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन रोड है ये, देखो पहाड़, बीच में पहाड़ आ गए भाई, राजस्थान के पहाड़, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के। फर्स्ट पेट्रोल पंप हाईवे का ऑलमोस्ट कितने 60 किलोमीटर बाद है ये स्टार्ट होने के, 60 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको नेशनल मुंबई एक्सप्रेस वे पे, जो कि गुड़गांव से शुरू होता है उस पे। सही आया भाई, वे फरारी वाले यहाँ उनने टेल टच करी हुई भाई, जो फरारी और ये लेके आए थे ना गाड़ी इस पे हाईवे पे, उन्होंने पक्का 200-250-300 टच कर गए। 3:26 और हमारी गाड़ी चल चुकी है 150 किलोमीटर इन ओनली 50 मिनट्स, मतलब हमने 10-15 मिनट अपने जो हम रुके हुए थे उसके माइनस कर दिए, और जो एग्जैक्ट हम टाइम में मतलब 50 मिनट अभी तक चले हैं उसमें हम 150 किलोमीटर आ चुके हैं भाई। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सीधा सपाट। भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे रेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, मतलब ये तीसरा देख लिया होगा हमने जब से, मतलब वो बीच बीच में दे रखे है बढ़िया रुकने के लिए, एक नंबर के, कुछ भी खाना पीना जो भी है, मतलब वॉशरूम जाना हो हर चीज की सुविधा है पूरी। तो भाई जयपुर रह गया यहाँ से 94 किलोमीटर केरा बोर्ड, और क्या क्या लिखा है इस पे, आगरा है 196 और वडोदरा 689, वडोदरा का तो अभी खुला नहीं है, हमें केवल जयपुर देखना है अभी। 94 किलोमीटर है यहाँ से, चलते हैं और हमारा लगता है आधा घंटा लगेगा बस, आधा घंटा या 40 मिनट। भाई टाइम हो गया है 3:50 और अपनी गाड़ी चल चुकी है राजीव चौक से, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे 1:20 में 201 किलोमीटर भाई 201 किलोमीटर मान्य रखता है भाई, किसी रोड पे इतनी गाड़ी स्पीड में जा रही हो कि 201 किलोमीटर हमने 1:20 में कवर कर दिया। एवरेज मुझे पता नहीं, एवरेज हम निकाल के लास्ट में बता देंगे आपको कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी आई थी, और हमारे पीछे सोई भाई बैठो बता दे तकरीबन हमारी एवरेज रनिंग चल रही है 140-150 के बीच में, एवरेज हम 120-150 में क्रूज कर रहे हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर चल चुके हैं, काफी अच्छा रोड रहा है अब तक, 1,00,000 करोड़ की लागत से रोड बनाया है, बहुत ही मतलब जो 1,00,000 करोड़ रुपए लगाए हैं वो मान्य है, मान्य है रोड पे, और जो भाई हमारी गाड़ी ब्रेजा जो डीजल है वो माइलेज दे रही है 14.4 का, क्योंकि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे है भाई 140-120 की, इसलिए गाड़ी माइलेज तो दे नहीं रही, 14.4 पे ही चल रही है। देखते हैं आते वक्त थोड़ा मंदा चलाएंगे तब अपनी गाड़ी की माइलेज निकालेंगे, जब तक के लिए देखो रोड सीधा। हाईवे पे आते हो तो देखो कीड़े मरते हैं भाई और शीशा पूरा हो जाता है व्हाइट, ये है हाईवे की एक और खासियत, पूरी गाड़ी पे कीड़े ही कीड़े, छोटे छोटे जो हाईवे पे होते हैं ना भाई, स्पीड में चलती है गाड़ी बड़ा बड़ा पूरा शीशा गंदा कर दिया, शीशा साफ करने के लिए रुके थे। जयपुर एग्जिट रह गया है केवल 1.5 किलोमीटर, वहां से एग्जिट लेके हम जयपुर जाएंगे और हमें बस 40 मिनट और लगने हैं, चलो चलते हैं भाई आगे की। कीड़े मारने का बहुत अफसोस हो रहा है अपने भरत भाई को, तो भरत भाई जाके क्या करेगा भाई, पुण्य का क्या काम करेगा, कुछ तो पुण्य का कोई दान वान कर दियो, ठीक है। ओ साइड मिरर पे भी भाई साइड मिरर पे भी आ गए, तो भाई शीशा हो गया अपना बिल्कुल क्लीन, अब देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है, दिखा भरत बिल्कुल क्लीन, और ये आ गया एग्जिट का बोर्ड सामने, लेते हैं यहाँ से एग्जिट जयपुर के लिए। अब यहाँ से मेन हमें देखना है कि जयपुर तक का रोड कैसा है, जाम वाला है, भीड़ भाड़ वाला है, या फिर ऐसे ही बिल्कुल सपाट रोड है, देखते हैं एक बार जा चल के। ये आ गया एग्जिट, कितना मीटर है, 500 मीटर ओनली 500 मीटर एग्जिट, आगे दो सौ तक है, दो सौ लेफ्ट तो भाई ये दिखा रहा है हमें जयपुर का, आगे तो शायद 200 तक ही होगा भाई, तो हम लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट ही ले ना जयपुर के लिए, लेफ्ट ले लिया भाई, एग्जिट आ गया है ये, यहाँ पे अब पता चलेगा कितने का टोल है हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है जो ऑलमोस्ट 200
5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपने गुड़गांव का, 205 किलोमीटर हमने टोटल कवर कर लिया इस हाईवे पे, और अभी भी 1 किलोमीटर और चलेंगे बस, उसके बाद एग्जिट ले लेंगे। और टोल भी बताते हैं आपको कितना है, 40 किलोमीटर यहां से उतरने का, देख आधे घंटे का जयपुर मेहंदीपुर। अच्छा मेहंदीपुर, वहां के लिए भी बहुत इजी है ये तो, मेहंदीपुर बालाजी के लिए है। कौन से बलून तक देख के तो आते हो गया, कितना कटा, कहां से आए हैं हम गुड़गांव, 395 रुपीज। ये तो भाई थोड़ा सा मतलब हैरान करने वाला वो था कि 395 रुपए, 395 रुपीज 200 किलोमीटर के, 205 किलोमीटर के। वर्थ है वो शोएब? नहीं भाई वर्थ है, वर्थ है ना वैसे तो, क्योंकि हम डेढ़ घंटे में भाई डेढ़ घंटे में पहुंच गए, ये लगा लो नोएडा आ रहे हैं, ऐसा हो गया हमारे साथ तो। नोएडा में भी ज्यादा टाइम लगता है, 2 घंटे लगते हैं भाई शाम के टाइम, क्योंकि जाम ही इतना है दिल्ली में। वर्थ तो है सही है, 395। तो भाई हम 250 किलोमीटर तो चल चुके हैं, 251.6 ये कुछ रास्ता है। अब पहले फोर लेन में चल रहे थे, अब 2 लेन में चल रहे हैं। यहाँ थोड़ी स्पीड कमी रखनी पड़ रही है हमें, 70-80-90 बस इतनी पे ही चला रहे हैं। कितना किलोमीटर दिखा रहा है जयपुर? 50 किलोमीटर हो रहे हैं, मतलब 300 किलोमीटर हो गया जयपुर। और NH8 से कितना रहता है? 280 NH8 से, मतलब लो ऑलमोस्ट सेम ही है, टाइम कम हो गया है बस, ये टोल आ गया है भाई। देखते कितने का टोल है यहाँ, एक टोल तो हम दे चुके 395 और 100। किस वाले में? ट्रक वाले में, अपने जयपुर रूट का तीसरा टोल है। ₹75 का है भाई ये, 395 का, और 125 का हम ऑलरेडी दे चुके हैं। गाड़ी नंबर डाल ले भाई, गाड़ी नंबर डाल ले भाई। पता ही नहीं हमारे टैग में दिक्कत है या क्या है, चेंज करवाना पड़ेगा, ये बार बार ले नहीं रहा। ये मशीन ले आया भाई, मशीन से ही कर दो। तो भाई ऑलमोस्ट 3 ही टोल पड़ते हैं, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई टोल होगा। है एक और तो मतलब चौथा टोल हो सकता है, बिल्कुल पहले आया। चलो देखते हैं, और आधा घंटा लगेगा भाई, पहुंचते हैं जयपुर, दिखाते हैं आपको नजारा। भाई हमने 2-3 देख ली ऐसी यात्रा, हमें भी करनी चाहिए, हमने की नहीं आज तक। पर हमारा थोड़ा सा डेस्टिनेशन बहुत दूर है, गुड़गांव खाटू श्याम। वेलकम टू पिंक सिटी जयपुर। जयपुर में आपका स्वागत। जयपुर में पहाड़ भी है भाई, पहाड़ अपने नाथपुर में भी थे पर वो काट दिए सारे, इनमें बर्फ हो गए रहे, रुई का कट्टा खोल के बर्फ। मंदिर ऊपर उरो, यहाँ भी मंदिर है, देख टॉप पे ऊपर पर देख, जूम करिए रे मंदिर पे, एक मंदिर पे ही ट्रैक कर ले, अपनी सांस बना ले थोड़ी सी राजस्थान की आवाज से, ऐसे ऐसे होटल में पहले से। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए जयपुर, ये आ गए जयपुर शहर, मतलब अभी मेन शहर नहीं आया, मतलब शुरू हो चुका है जयपुर। और टाइम हो रहा है 4:54 टाइम, इस टाइम हम आए हैं। और इसमें से आप 25-30 मिनट माइनस कर लेना जो हम रुके, वैसे ही वीडियो बनाने के लिए रुके थे। और 3 कितने पे निकले थे भाई? 3:10 पे, 3:10 पे ना निकले भाई, 2:20 पे, 2:30 पे, 2:30। तो भाई 2.5 घंटे में हम जयपुर पहुंच गए भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, और अगर उस वाले रास्ते से आते तो 4-5 घंटा। कहां क्या टाइम सेव किया है भाई, एक नंबर बेहतरीन रोड बन गए भाई। अब घूमते हैं थोड़ा सा जयपुर, दिखाते हैं आपको, और फिर सीधा घर। घर घर के वहां का भी टाइम कैलकुलेशन करेंगे कि रात में थोड़ा फर्क आता है नहीं आता है, दिखाएंगे आपको।